हिमाचल में हुए नुकसान पर, सड़कों का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, NHAI की कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, और इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश शांडिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांडिल जी, सबसे बड़ी बात कि हम पहले भी यहाँ आए थे और पहले भी इस समस्या को हम डिस्कस कर चुके हैं, RF जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, परंतु सुनने में ऐसा आ रहा है कि RF जो है इस बात को डिनाई कर रही है कि अब हम ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करेंगे, तो क्या सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाली है? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले डेब्रीज हटाएंगे जी, उसके बाद ये उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे जो हमारे टनल रोक टनल के पास हुई थी जी, दुर्घटना रोक हुआ था, और ये प्रॉपर तरीके से हटाएंगे जी। सारी डेब्रीज को निकालने के बाद एक हल्का सा रास्ता बन जाएगा शुरू में जी, और उसके बाद इसका निर्माण कार्य आरम्भ करेंगे। चीफ इंजीनियर ने मेरे को समझा दिया था कल भी जी, और मैं इसीलिए ग्राउंड पे आया हूँ जी। लोगों की बहुत समस्या है, नीचे कोई 12 गाड़ियां खड़ी है जी, फसल की चीजें को निकालने की बड़ी मुश्किल होती है, उत्पाद बाहर कैसे लाएं, कोई मरीज हो जाए गांव में तब मुसीबत है जी। तो लोगों की समस्याओं को समझते हुए SDM साहब, दोनों हमारे SDM सोलन और SDM कन्नाघाट दोनों इस यहाँ पे तैनात थे, उस दिन भी आज भी हैं जी, और मुझे पूर्ण आशा है कि शीघ्र ये काम शुरू हो जाएगा जी, और ये बिल्कुल ठीक ठाक पटरी पे आएगा, प्रॉपर काम बनेगा। क्योंकि शांति जी, अभी भी जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स है, अगर आप देख रहे होंगे, पानी की राहत भी जो है लोगों को अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के द्वारा दी जा रही है, तो क्या इस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से होंगे कि आम जनता को जो है वो सहूलियत मिल पाए, आम जनता को थोड़ी सी राहत मिल पाए? नहीं, मैंने माननीय मंत्री से, उप मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी ऐसे डिसरप्शन हुए हैं उनको इमीडिएटली, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ पानी की समस्या हो, और अगर नहीं हो तो मैं इसीलिए उनको बताया हुआ कि ताकि इनके प्रॉपर परमानेंट अरेंजमेंट किए जाएंगे, शीघ्र ही कर दिए जाएंगे। अच्छा शांडिल जी, एक और अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल में इस आपदा से निकला है, तो इसके लिए सरकार क्या अन्य कदम जो है वो उठा रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके? आपने देखा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं फ्रंट फुट पे रहते हैं और पूरे आपदा के समय पे रहे, पूरे मंत्रियों को, विधायकों को, सभी जितने हमारे अधिकारी हैं और सभी जो तंत्र है हमारे शासन का, प्रशासन का, उन सबको, DC साहब हमारे, SDM साहब, BDO, एवरीबॉडी इज ऑन द ग्राउंड। और मैं समझता हूँ कि जो आगे का हमारा रूप है वो, देखिए आपने देखा होगा किसी को सिलेंडर, किसी को खाने की सुविधा, वो सब चीजें CM साहब ने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले दे दी हैं, और अभी भी किसी भी प्रकार का मैं समझता हूँ कोई डिसरप्शन या कोई, जैसे आप देखेंगे हमारी बहुत सी सुविधाएं आने वाली हैं, हमारे बहुत से आगे को उत्सव आने वाले हैं, बहुत से हमारी मीटिंग्स है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, स्वयं भी जैसे नॉर्थ जोन के लिए स्वयं मुख्यमंत्री महोदय अमृतसर गए हैं, ऐसी ही मीटिंग हमारे यहाँ भी होने वाली है, और इसके लिए हम पूरे रास्ते और सब चीजों का ठीक ठाक तरीके से करने जा रहे हैं। कोई जो मैं समझता हूँ जो घर हैं लोगों के जितने बर्बाद हुए हैं, उनके लिए इनिशियली हमने I think 4,50,000 दिए हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि भाई किसी की जो ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत गरीब हैं, उनको हम और भी ज्यादा धन देने के लिए राशि मांग रहे हैं। हमने कोशिश तो की कि ये राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, मैंने स्वयं भी इससे बोला और हमारे बहुत से सभी मंत्रियों ने और विधायकों ने बोला, उसके बावजूद पता नहीं क्यों अभी तक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में सफल नहीं हुआ। यही अगला प्रश्न था कि हालांकि सुखविंदर सुक्खू, उनके सारे आला अधिकारी, मंत्रीगण, सभी विधायक जितने भी हैं वो अपने ग्राउंड्स पर काम कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों को अभी तक भी पटरी की व्यवस्था, पटरी पर आने के लिए, अगर ट्रैक पर हम वापिस लाना चाहें हिमाचल को, तो अभी वो नहीं आ पा रहा है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे रोड्स को सुचारू रूप से प्रॉपर करना है, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी थी, ये बात बिल्कुल तय है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक जो है वो ये इसको हम सुचारू रूप से कर पाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है, और आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि ये इस पूरी की हम 21वीं सदी की बहुत से बड़ी आपदा है जी। सबसे बड़ी आपदा होने के बावजूद इससे बहुत बड़े चिंतन भी हुआ है, बड़े बड़े हमारे लीडर्स भी आए हैं। कल भी अमृतसर में स्वयं हमारे जो गृह मंत्री थे स्वयं मौजूद थे, और तब भी ये बात एग्रीगेट की गई भाई और ऑनरेबल CM, और ऑनरेबल CM हर जगह पे बोलते भी रहे हैं और बहुत से चीज़ों को लाया भी गया है,
और जो बड़े विद्वान लोग हैं वो सभी लोग समझते हैं कि भाई कितनी बड़ी आपदा है, उसके बावजूद जहां अगर 12,000 करोड़ का इतना बड़ा नुकसान हो जाए, जहां पे 441 से ज्यादा मौतें हो जाए, तो ये बहुत बड़ी आपदा है। मैं समझता हूँ इतने तो अगर बड़े से बड़े भी युद्ध हो जाए तब भी इतना बड़े कैजुअलिटी फिगर नहीं आते, तो ये तो युद्ध स्तर पर ही काम करना होगा। और युद्ध भी यही है, मां प्रकृति का जो हम लोगों को मैं समझता हूँ एक सर्ट ऑफ पनिशमेंट मिली है, मे बी फॉर आवर मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत सी जगहों में तो मैं कहता हूँ कि हम भी जिम्मेवार हैं, हमने इतने ज्यादा निर्माण कर दिए और बिना मतलब सर्ट ऑफ प्लानिंग के निर्माण किए गए हैं, और अब उन निर्माण में से जो ये हम लोगों को ये वाटर ड्रेनेज का सिस्टम का बाहर ना जाना, ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज वे में प्लानिंग से घर ना बनाना, ये भी एक, और सड़कों पर भी यही हुआ, निर्माण तो हुआ परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से काम हुए होते तो मैं समझता हूँ आज शायद इस आपदा का जो नुकसान तो होना था परंतु हो सकता 50% थोड़ा कम होता। अच्छा शांडिल जी, एक और इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से अभी सुखविंदर सुक्खू लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, केंद्र से राशि धनराशि कुछ मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर से पैसा आना भी जरूरी है, क्योंकि हालांकि हिमाचल ऑलरेडी 75,000 करोड़ के कर्जे में है, उसके बावजूद जो समस्याएं हैं, इतनी बड़ी आपदा हमारे पास है, 12-15 हजार करोड़ का हमें जो है वो नुकसान हुआ है, साथ में 8-9 हजार करोड़ हमें अपने लिए चाहिए, जो पुराने कर्जों को जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री भी ये बात विधानसभा में कह रहे थे, तो उस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केंद्र पर जो है वो इस वक्त बनी हुई है, तो क्या लगता है हमारा अभी भी ये प्रेशर रहेगा? बहुत मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बहुत सी समस्याएं अपने आप पटरी पे आ जानी थी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पार्टीज का आपस का जो ये रहता है कुछ, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि आगे से चुनाव आने हैं और उसे दृष्टिगत को यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो हमें उस लिहाज से इन्होंने थोड़ा सा मैं समझता हूँ रोक के रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु वो ठीक बात नहीं है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैं स्वयं जयराम जी के पास गया, मैं कहता हूँ आप पुराने हमारे मुख्यमंत्री हैं, कृपया इसमें हस्ताक्षर कीजिए, इसमें आप भी हामी बनिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम सब मिलकर आपकी अध्यक्षता में चलें, क्योंकि आपकी सरकार है भाई, सरकार तो सभी की होती है, और हमने बताया कि आप राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, तो ये कमी रही है, मैं समझता हूँ। आई होप दे अंडरस्टैंड इट इन फ्यूचर, आई होप। तो आपने देखा कि किस तरह से कहीं ना कहीं जो हिमाचल में अभी भी समस्याएं जो हैं वो बरकरार हैं, हालांकि विधायक मंत्री सभी जो हैं सुखविंदर सुक्खू ग्राउंड पर हैं। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।